बांधव हे हालअपेष्टा सहन करत असताना आपण आनंद कसा काय साजरा करायचा हे योग्य नाही, त्यामुळे मागील बकरी ईद प्रमाणे कोणताही जल्लोष किंवा आनंदोत्सव साजरा न करता गरजूंना वस्तूंचे वाटप करून ही ईद साजरी करावी असे आवाहन कराड मुस्लिम समाजातर्फे करण्यात आलेले आहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि फ़िलहाल हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं इस वायरस की बिना पर, कितने लोग अपनी जान इसके अंदर गंवा चुके हैं और कितने लोग इसके अंदर फ़िलहाल मुब्तला है। जो भी इस बीमारी के अंदर मुब्तला है, अल्लाह उनको जल्द अज़ जल्द शिफाए कामिला आजला नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, आज आपके सामने मुखातब होने का एक वाहिद मकसद यही है कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक की आखिरी घड़ियाँ चल रही है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत के अंदर गुजारें। हमारा अकीदा है कि जब तक हम अपने अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे तब तक हम इस बीमारी से, इस वबा से हम नजात नहीं हासिल कर सकेंगे। और मेरे भाइयों, कुछ घड़ियाँ बची है तो हम अपने आप को इबादत के अंदर मसरूफ़ रखें और उसके बाद ईद आने वाली है। तो भाइयों, हम जैसे कि जानते हैं कि आज जो बीमारी की वजह से हालात पैदा हुए हैं, तो हमें हर वक्त, मतलब 5 वक्त की नमाज, जुमा की नमाज, तरावी की नमाज हम घरों के अंदर अदा कर रहे हैं, हमारे मस्जिदों को ताले लगे हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो है इस ईद को सादगी के साथ अदा करें। और हमें चाहिए, देखो ये एक बात याद रखो कि ऐसा नहीं है, हदीस में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप नए कपड़े पहनेंगे तो ही आपकी ईद होगी, नए जूते पहनेंगे तो ही आपकी ईद होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि हम जो है अपने घर के अंदर जो अच्छे कपड़े हो, उमदा कपड़े हो, वो पहने और अपनी ईद मनाएँ। और ये जो खर्च जो हम ईद का बचाएंगे, इस खर्च को अगर हम गुरबा के अंदर तकसीम करेंगे, अपने मोहल्ले के गरीब लोगों के अंदर तकसीम करेंगे, तो उसका जो हमें सवाब मिलेगा और उसकी जो हमें खुशी होंगी, वो खुशी हमारी ईद की खुशियों को और कई गुना बढ़ा देगी। इसलिए मेरी तमाम भाइयों से और हमारी तमाम माँ बहनों से भी खुसूसन अपील है कि बाज़ारों के अंदर ना निकले और अपने आप को जो है घरों के अंदर रोके रखे और इबादत के अंदर अपने आप को लगाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ईद करावी साऱ्या प्रकारानं, आणि तो जो खर्च आहे तो आसपास असलेल्या आपल्या गोरगरिबांना वाटावा। म्हणजे शासनाच्या डोक्यात आहे की बाबा खर्च कमी करून यांनी गोरगरिबांना 4 पैसे वाटावे, तर लगेच बाजारपेठ उघडायची आणि ते खर्च तो पैसा व्यापाराच्या घशात घालवायचा। कुठं ना कुठंतरी थोडंसं जे आहे लोकांच्या हितासाठी आणि ह्याच्यासाठी हा निर्णय जे आम्ही त्या संदर्भात परान साहेबांना निवेदनसुद्धा दिलं होतं की ईद झाल्यानंतर तुम्ही बाजारपेठ ओपन करा आणि जे ह्यातले जे काही उणिवा राहतील, नुकसान काय होईल, तर मुस्लिम समाज ईदनिमित्त बाहेर पडेल आणि लोकांना सांगण्याचा आणि बोर्ड दाखवण्याचा सुद्धा प्रयत्न होईल आणि त्या माध्यमातून जे पैसा खर्च होणार नाही, आम्हाला तर आळबी बळबी जे आहे की नाही ते पैसे काढून वाटावेच लागतात जकातच्या माध्यमातून, आणि ती गोरगरिबाच्या घशात गेले पाहिजे ते हाही आमचा एक हेतू असून सुद्धा, जर शासन अशा प्रकारचं जर निर्णय घेऊन आणि जर चालू करणारच असेल तर त्याचे काय परिणाम होतील त्याची जबाबदारीसुद्धा शासनानेच घ्यावी। उगाच मुस्लिम समाजाच्या नावावर बिल फाडू नये, एवढीच आमची या पत्रकार परिषदेनिमित्त एक विनंती आहे। देखो भाई दोस्तों, ये रमज़ान का महीना अब करीब करीब गुजरने पर है, चंद रोज़ बाकी है और इसमें कसरत इस्तग़फ़ार करने का मौका है, क्योंकि ये रमज़ान हमें नसीब हुआ, आइंदा रमज़ान हमारे मुकद्दर में है या नहीं किसी को पता नहीं। पहला अशरा रहमत वाला था, दूसरा अशरा मगफ़िरत वाला था और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से खलासी वाला था। इसलिए भाई दोस्तों, पूरे हमारे माँ बहनों से, नौजवानों से, हर एक फ़र्द से गुजारिश है कि हम अपने लिए, अपने ज़ात के लिए और पूरे आलम के, इंसानियत के लिए दुआ करें कि अल्लाह सबकी हिफाजत करे और इस बीमारी से अल्लाह सबको नजात दिलाए। इसलिए भाई हमें ये अभी जो इस्तग़फ़ार करना है कि सबके लिए करना है, इसी नीयत से कि अल्लाह सबको बीमारी की वबा से बचाए। इसलिए कॉन्फ्रेंस जो अभी जो साथियों ने हमारे ली है कि भाई अभी आप आज तक रमज़ान के महीना भी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब ने इबादत में गुजारा और अभी ये आयन ईद के वक्त में इन्होंने जो दुकानें खोलने का जो प्रशासन ने जो अभी तय किया है, तो प्रशासन तो अपनी जगह है लेकिन हमें क्या तय करना है ये हम खुद सोचें कि ईद हमें सादगी से मनाना है। क्यों
हम अगर सादगी से ईद बनाएंगे और हमारा जो माल बचेगा वो गुरबाओं में तकसीम होगा, गरीबों की ज़रूरत में काम आएगा, चाहे हमारे पड़ोस में कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हर एक की ज़रूरत को और हर एक के पास जाकर उसकी ज़रूरत को पूरा करना है, उसके काम में हाथ बटाना ये हमारे लिए ज़रूरी है।